बिजनौर जिला बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी बिजनौर का वार्षिक चुनाव का मतदान हुआ, जिसमें करीब 1750 वकील अपने मत का प्रयोग कर बार एसोसिएशन का अध्यक्ष, महासचिव और अन्य पदों के लिए वोटिंग कर रहे हैं। इस बार एसोसिएशन के चुनाव में यह निर्णय लिया गया है कि जिस अधिवक्ता के पास सीओपी नंबर नहीं होगा, वह अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकेगा। बिजनौर बार एसोसिएशन में 6 पदों के लिए वोटिंग जारी है। बार अध्यक्ष, महासचिव, ज्वाइंट सेक्रेटरी लाइब्रेरियन, ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रशासनिक, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट व जूनियर वाइस प्रेसिडेंट पदों के लिए मत डाले जा रहे हैं। बता दें कि यह वोटिंग शाम 5 बजे तक चली है, जिसके बाद मतों की मतगणना होगी और उसके बाद रात 10 बजे तक परिणाम घोषित किया जाएगा। बाइट मुख्य चुनाव अधिकारी जावेद आफताब, बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। मेरा नाम जावेद आफताब है, मैं बिजनौर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जदी में करीब 45 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अब जो ये है, आप गेट देख रहे हैं, ये यहाँ का वार्षिक चुनाव हो रहा है, जिला बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी बिजनौर का वार्षिक चुनाव है। करीब 1745-46 वोटर्स हैं, इन सबको मताधिकार का प्रयोग दिया गया है। और एक बात और रखी गई है अपने कि जिसपे सीओपी नंबर नहीं होगा उसे वोट का अधिकार नहीं दिया गया। करीब 6 पदों पर चुनाव हो रहा है, जिसमें मेन जो है अध्यक्ष और महासचिव का पद। अध्यक्ष पे श्री नरदेव सिंह और संजीव कुमार बबली में कांटे की टक्कर हो रही है। इसी प्रकार से महासचिव पद पे जनाब कोमल सिंह और संजय कुमार की कांटे की टक्कर। इन दो पद जो कि महत्वपूर्ण पद होते हैं उस पर सीडीसी की टक्कर है। बाकी 3-4 पद और हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी लाइब्रेरियन, ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रशासनिक, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और जूनियर वाइस प्रेसिडेंट, चारों पदों पर भी। कितने परसेंट वोटिंग होती है? अब तक करीब बजे हैं 12:30, 12:30 बजे तक करीब 50-52% पोलिंग हो चुकी है। कब तक चलेगी वोटिंग? ये पोलिंग चलेगी करीब 5 बजे तक। जो लोग आ जाएंगे हमसे टोकन ले लेंगे, उनको वोट का अधिकार दिया जाएगा। इसका परिणाम घोषित कब होगा? इसका परिणाम आज रात में 6 बजे से पोलिंग के 1 घंटे बाद से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और आशा है कि करीब 10 बजे तक हम लोग इसका परिणाम घोषित करेंगे।